नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, सुजलॉन का शेयर 30% बढ़ा है, 1 महीने में 70%, 3 महीने में 125%, 1 साल में 175% और 3 साल में ये शेयर 215% बढ़ा है। दोस्तों, इसी बीच कंपनी ने बताया कि 7 जुलाई को होने वाली बोर्ड बैठक में कंपनी रकम जुटाने पर फैसला लेगी और ये बोर्ड बैठक में ही तय होगा कि कौन से रूट के जरिए कंपनी पैसे जुटाएगी। आपको बता दें कि कंपनी ने राइट इशू के जरिए करीबन 1,200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर पर यानी कि सुजलॉन के शेयर पर 22 रुपए का टारगेट दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि देश में विंड एनर्जी पॉलिसी में बदलाव का असर दिख रहा है और इससे आने वाले समय में कंपनी को बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ICICI सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में बताया है कि विंड एनर्जी सोलर के मुकाबले काफी सस्ता होता है। दोस्तों, सोलर सिर्फ दिन में ही बिजली प्रोड्यूस करता है, वहीं विंड एनर्जी 24 घंटे यहां तक कि मॉनसून में भी बिजली प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा विंड एनर्जी इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। दोस्तों, विंड एनर्जी इंडस्ट्री 35% CAGR से बढ़ रहा है। दोस्तों, बता दें कि सुजलॉन इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। हाल ही में उठाए गए कदमों के बाद बैलेंस शीट बेहतर हुआ है इस कंपनी का और इसलिए शेयर में और भी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कंपनी के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।